नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे बड़ी खबरों की ओर। खबर प्रयागराज से है, जहां पर जुम्मे के नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो वहीं भारी पुलिस बल के साथ यहां पर तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं, और साथ ही साथ पुलिसकर्मियों को ब्रीफ भी किया गया। और इस बीच अटाला की गलियों से ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर औरैया से सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि औरैया में इस वक्त एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां आपको बता दें कि एक कार अनियंत्रित होकर गिर गई है, और इस कार में बैठे सभी लोग बाल बाल बचे हैं। अनियंत्रित होकर ये कार खाई में गिर गई, और आपको बताते चलें कि कार अनियंत्रित किस तरह से हुई है इस पर स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आ पाया है, लेकिन कार में बैठे सभी लोग बचाए जा चुके हैं। बेला थाना के झारी पुलिया के पास का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक गाड़ी अनियंत्रित हो गई है। इस बीच लखनऊ में पुलिस कमिश्नर जीके ठाकुर द्वारा थाना कृष्णानगर, सरोजनी नगर और थाना बथरा और बिजनौर में पंजीकृत किए गए अभियोगों में विवेचकों द्वारा की जा रही लंबित विवेचकाओं की समीक्षा की गई। इसके तहत अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने चोरी और नक्कबाजी की घटनाओं को देखते हुए रात्रि गश्त बढ़ाने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दोपहिया और चार पहिया पीआरवी वाहनों का रूट नए तरीके से निर्धारित कर इन अपराधों की रोकथाम के लिए उनकी जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए निर्देशित किया गया। आपको ये भी बता दें कि अर्दली रूम के दौरान पुलिस उपायुक्त मध्य और सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर भी मौजूद रहे। इन्हें पुलिस आयुक्त द्वारा लंबित विवेचकाओं के पर्यवेक्षण में संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। और गुजरात को सौगात देने पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। यहां पर गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी राज्य में अपनी पकड़ बनाने के लिए ताबड़तोड़ कोशिश कर रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 और 18 जून को एक बार फिर से गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो गुजरात को कई सौगात दे सकते हैं। साथ ही साथ इस यात्रा के दौरान वो 18 जून को सुबह पावागढ़ में महाकाली माता के दर्शन करेंगे। इसके बाद वो पीएम मोदी पावागढ़ के पास हेरिटेज फॉरेस्ट का भ्रमण करने पहुंचेंगे, और इसके बाद वडोदरा में गुजरात गौरव अभियान में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री, और जनता को संबोधित करेंगे। आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पार्टी जोर शोर से तैयारियां कर रही है। गुजरात में अपनी यात्रा के दौरान पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना के 8,907 घरों को उनका उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा वडोदरा के डायनामिक बिल्डिंग और विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा अहमदाबाद और बोटाड के बीच चलने वाली ट्रेन को पीएम मोदी झंडी दिखाएंगे। खबर अब अमेठी से है, जहां पर आज अघोषित बिजली कटौती को लेकर किसान नेत्री रीता सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं। सभी ने विद्युत उपकेंद्र का घेराव कर प्रदर्शन किया। और यहां आपको बता दें कि किसान नेत्री रीता सिंह ने बताया है कि अमेठी में लाइट की वो स्थिति है कि एक और तो कटौती पर कटौती हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ शटडाउन की समस्या बनी हुई है। यहां पर 14 से 15 किलोमीटर की लाइन है, और इनका कहना है कि सराय भवानी ग्राम सभा की 132 पावर हाउस की लाइट को अलग कर दिया गया है, और इसे अलग करने की मांग भी उठाई जा रही है। इसी के साथ ही अब मेंटेनेंस के जो भी कार्य होंगे वो रोस्टिंग पीरियड में किए जाएंगे। जो आपूर्ति अब मिलेगी वो पूरी हो जाएगी। हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय। जनपद अमेठी में लाइट की वो स्थिति हुई है कि एक तो कटौती पे कटौती हो रही है, दूसरी बार इनके यहाँ शटडाउन की समस्या बहुत बनी हुई है। 14-15 किलोमीटर की लाइन है यहाँ से रामनगर फीडर की, जिसका अमेठी और मुंशीगंज दोनों बगल में है, लेकिन गौरीगंज से उस फीडर के लिए लाइट, वहाँ के लिए लाइट जा रही है रामनगर के लिए। हम लोग कह रहे हैं कि सराय भागमानी जो कि 132 पावर हाउस उसी ग्राम सभा में है, उन्हीं लोगों की जमीनें गई है, तो उस ग्राम सभा की लाइट को अलग किया जाए और ये कटौती का काम जो है बंद किया जाए। जो हर पूरे जनपद में स्थिति ऐसी उत्पन्न है, सब जगह के लोग परेशान हैं। सराय बागवानी की लाइट ये 12 दिन का समय इस साहब ले रहे हैं,
12 दिन में अगर कंफर्म नहीं कराते तो सोमवार से हम लोग अनिश्चितकालीन। और गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। बदमाश और पुलिस के बीच गोलियां चली और इस दौरान एक सिपाही घायल हो गया है। मुठभेड़ में एक बदमाश भी घायल हुआ है और बदमाश समेत 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए चोरों पर गौ तस्करी का मामला है दर्ज और इसी के साथ ही भाकामऊ निवासी ये तस्कर बताए जा रहे हैं। बदमाशों की ओर से हुई फायरिंग में एक सिपाही घायल हो गया है और गौ तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से हाफ डाला समेत 4 गायें भी बरामद की गई। ये अभी आधे घंटे पहले हम लोग को सूचना मिली थी कि ये जो गढ़ी चौकी के बगल से रोड निकल के जाती है स्कॉर्पियो क्लब से इंदिरा नगर की तरफ, वहाँ पे मुखबिर की हमको सूचना थी कि कुछ लोग हैं जो संदिग्ध हैं, डाला वाला लेके जा रहे हैं। और क्योंकि कल जुम्मा है तो इसके मद्देनजर हम लोग ने पोस्टर पार्टीज निकलवाई थी रात को चेकिंग के लिए। तो ऐसी जब संदिग्ध सूचना मिली तो हम लोग ने टीम्स अपनी लगाई दोनों तरफ से, और जब टीम्स को दोनों तरफ से लगाया गया तो मौके से हम लोग को 4 लोग मिले थे जिन्होंने डाले में 4 गायें हैं जिनको लाद के ये लोग ले जा रहे थे। इनके नाम है आरिफ, आसिफ, मोहम्मद, फिरोज और जितेंद्र। साथ में डाले के अंदर से काटने के भी सामान मिले हैं, जैसे आपका ये जो चापड़ आपड़ होता है ये सभी मौके से बरामद हुए हैं। इसके अलावा जब रोकने की जब कोशिश की गई तो इन्होंने अपनी तरफ से फायरिंग की, हमारे एक सिपाही को भी गोली लगी है। और इसके अलावा हमारी तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है। और अब इसमें आगे अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। बदमाशों की तरफ से ये हमारी तरफ से जो फायर हुआ है इसमें एक राउंड फायर हुआ है पहले, और फिर दूसरा दोबारा फायर हुआ है। 2 राउंड पुलिस की तरफ से फायर हुए हैं, उनकी तरफ से भी एक राउंड फायर हुआ था। और जिस सिपाही को गोली लगी है उसका नाम रवि राणा है। सिपाही की वो ठीक है, अभी हॉस्पिटलाइज है, ठीक है वो। मैम ये लोग जो पकड़े गए हैं ये लोग कहाँ के रहने वाले थे, क्या है? ये अभी पूछताछ इनसे करेंगे, लेकिन अभी तक जो स्टार्टिंग की जो सूचना है जो इनकी पहचान हुई है वो भाकामऊ जो पी। और अब खबर हरदोई से है जहां महिला अस्पताल में होमगार्ड और तीमारदार के बीच धक्का मुक्की और मारपीट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में अब COCT ने वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है और साथ ही साथ आदेश भी दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इस वीडियो की सच्चाई का पता लगाया जा सके। कहा गया है कि तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल मारपीट और धक्का मुक्की का यह वीडियो जिला महिला अस्पताल का बताया जा रहा है। यहां पर वायरल वीडियो में ड्यूटी पर मौजूद होमगार्ड एक तीमारदार को पकड़कर धक्का मुक्की करते और मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। इस वायरल वीडियो के आधार पर जानकारी करने का पता चला है कि एक मरीज जिला महिला अस्पताल में भर्ती है और उसी के तीमारदार से इस तरह से मारपीट की जा रही है। वायरल हुआ है, मेरे संज्ञान में आया है कि महिला हॉस्पिटल में एक होमगार्ड और किसी के साथ हाथापाई हुई है, उसका गंभीरता से जांच की जा रही है और तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हरदोई के कासिमपुर थाना इलाके में एक ज्वेलर्स से बाइक सवार बदमाशों ने ज्वेलरी से भरा बैग लूट लिया है। तो वहीं ज्वेलर्स की पत्नी के द्वारा विरोध किए जाने पर लुटेरों ने महिला के सर पर हमला कर दिया जिससे महिला घायल हो गई है। अब मामले की सूचना पाकर प्रभारी निरीक्षक कासिमपुर और CO संडीला के मौके पर पहुंचे हैं और इसके दौरान पड़ताल शुरू की गई। घायल महिला का उपचार भी करवाया गया और अपर पुलिस अधीक्षक का यह कहना है कि इस मामले के खुलासे के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। ये थाना कासिमपुर क्षेत्र का मामला है। एक व्यक्ति है अनुज वर्मा जो रहने वाले तेरवा दहिगवा के हैं। इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है कि शाम को अपनी दुकान बंद करके जा रहे थे स्कूटी से, उनकी पत्नी भी उनके साथ थी और वहाँ पर एक माइनर है नहर का, उस पर वो बातचीत करने लगे फोन से। इसी बीच उनका बैग था, उसी उनकी स्कूटी में टंगा हुआ था, मोटरसाइकिल से दो व्यक्ति आए और उनका बैग लेकर चले गए। पुलिस को जैसे सूचना मिली तत्काल पुलिस ने पहुँच करके मौके पर उचित धारा में अभियोग पंजीकृत किया है। 3 टीमें लगाई गई हैं, शीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा। और अब रुक करेंगे फिरोजाबाद का, जहां से खबर सामने आ रही है कि जुम्मे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट कर दिया गया है। संवेदनशील इलाकों के चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई और साथ ही साथ आज पूरा दिन भी पुलिस फोर्स ऐसे ही तैनात रहेगी। जिला प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में दिखाई दिया और यहां पर 2.5 दर्जन से ज्यादा संवेदनशील स्थलों पर पुलिस फोर्स के साथ साथ ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की जाएगी।
बता दें कि इंटेलिजेंस खुफिया विभाग के अलावा तमाम एजेंसियां पैनी नजर बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया सेल प्रत्येक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और धार्मिक उन्माद फैलाने वालों पर या आपत्तिजनक कमेंट या पोस्ट डालने वालों के खिलाफ आईटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं में कठोर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। और इस बीच नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ की गई और लगातार गहन पूछताछ भी जारी है, लेकिन इस बीच कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से कांग्रेस का रोष बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी को तलब किया गया था ईडी के द्वारा और इसी बीच कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस के जुर्म पर एतराज जताया है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता देश भर में राजभवनों का घेराव करने की यहां पर बात कह रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि संसद भवन स्थित स्पीकर के कक्ष में बिरला से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि हमने स्पीकर से हमारे साथ हो रहे जुल्म की शिकायत की है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और के बर्ताव और कांग्रेस मुख्यालय में प्रवेश पर नाराजगी जताई गई और साथ ही चौधरी ने यह भी कहा है कि पुलिस स्थानों में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस सांसदों के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे हमारे सांसद और कार्यकर्ता कोई आतंकवादी हों। राहुल गांधी को लगातार 3 दिनों तक 10 से 12 घंटे लंबी पूछताछ के लिए बुलाया गया। हमें इसका कोई विरोध नहीं, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि प्रतिशोध और हिंसा की राजनीति का प्रयोग न करें। कांग्रेस नेताओं ने पार्टी संसदीय दल के दफ्तर में बैठक भी की और बैठक कर राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर उत्पन्न हो रही राजनीतिक स्थिति पर भी विचार किया। इसमें कांग्रेस नेताओं के अलावा महासचिवों ने भी भाग लिया और कांग्रेस नेता किसी केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि बैठक में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ दमनकारी कार्रवाई को लेकर आगे की रणनीति पर विचार किया गया है। तो वहीं बीते जुम्मे की नमाज के बाद प्रयागराज समेत अन्य जिलों में बवाल की घटना से सबक लेते हुए रायबरेली जिला और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला और पुलिस किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही दूसरे जिलों में हुई घटना के बाद रायबरेली जिला प्रशासन सड़क पर उतर आया है। इसी बीच संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल के साथ फुट मार्च किया गया है और डीएम माला श्रीवास्तव ने एसपी आलोक प्रियदर्शी समेत जिला और पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारियों और भारी पुलिस फोर्स के साथ जुम्मे के नमाज से पहले जिले भर में पुलिस की गश्त बढ़ाई। संवेदनशील इलाकों में पीएससी की टुकड़ियां भी तैनात कर दी गई और इस बीच डीएम माला श्रीवास्तव के मुताबिक पूरे जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर दिए गए हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत भी की गई। इस बात के लिए साफ कह दिया गया कि किसी भी अफवाह या गलत फहमी को पकड़ पड़कर कोई भी अराजक तत्व हरकत ना करे। हम लोग लगातार पैदल मार्च कर रहे हैं और अगर कोई भी हरकत करता है या अराजकता फैलाता है तो पुलिस सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है। एसपी आलोक प्रियदर्शी ने यह भी बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण के साथ जिले को 5 जोन और 59 सेक्टर्स में बांटा गया है। अब अपराधियों के साथ साथ रिहर्सल भी किया गया जिससे कि ड्यूटी के दौरान कोई भी परेशानी ना हो सके। सतर्कता हर तरफ रखी जा रही है। पूरे जनपद को 5 जोन और 59 सेक्टर्स में बांट करके वहाँ फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और जो भी वहाँ मौजूद अधिकारी हैं उन सब का आज रिहर्सल भी किया गया था ताकि उनको कल अपनी ड्यूटी में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसके अलावा ड्रोन की व्यवस्था की गई है, हर सर्किल में ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जाएगी और वीडियो कैमरा रखने के लिए सारे थाना अध्यक्षों को निर्देशित कर दिया गया है कि एक एक डेडिकेटेड टीम वीडियो कैमरा के रखें कि किसी अनटूवर्ड स्थिति में वीडियोग्राफी कराई जा सके। फोर्स की ब्रीफिंग पे बहुत जोर है, सारे लोगों को नीचे तक के कर्मचारियों को ब्रीफ किया गया है कि उनके लिए डूज एंड डोंट्स क्या है। सारा फोर्स एंटी रायट गेयर में कल ड्यूटी पर रहेगा और सारी व्यवस्थाएँ करके हम लोग इंश्योर करेंगे कल का जुमा का नमाज भी बड़े शांतिपूर्ण ढंग से। कल ही नहीं, इन जनरल हम लोग ये फ्लैग मार्च कर रहे हैं। रायबरेली में अभी तक माहौल सब तरफ अच्छा रहा है और अच्छा से सभी ओकेजन्स पे होता आया है, अच्छे माहौल में भाईचारे का माहौल है। हम लोग की पूरी तैयारी है क्योंकि अन्य जगहों पर देश भर में कुछ ना कुछ घटनाएं और बयान सामने आते रहते हैं, तो संवेदनशीलता के दृष्टिगत हम लोगों की तैयारी है, सतर्कता है
और सभी फोर्सेस के साथ हम लोग मार्च कर रहे हैं। सभी जगहों पर ये किया जा रहा है और ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। सभी मजिस्ट्रेट्स को ब्रीफ करा जा रहा है, सभी पुलिस जो डिप्लॉयमेंट है उनको हम लोगों ने ब्रीफ किया है। आगे भी अभी कई घंटे तक हम लोग ये करेंगे आगे, और पूरी तैयारी रहेगी। सभी लोगों से, सभी जो कम्युनिटी के लोग हैं सबसे संवाद बना हुआ है और हम लोग उनसे संपर्क में हैं, सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं, और अमन चैन का और शांति व्यवस्था का जो माहौल अब तक बना रहा है उसी को हम लोग कायम रखने की पूरी तैयारी में हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायबरेली लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर एक हादसा हो गया है। यहां मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी की कार अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी दुर्गा दीन लखनऊ से अपने परिवार के साथ पैतृक गांव पूरे पतई थाना मऊ जिला चित्रकूट जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान ये कार खाई में गिर गई है और खाई में पलटने की वजह से सुरक्षा कर्मी समेत उनके परिवार के 5 लोग घायल हो गए। इसमें सुरक्षा कर्मी समेत उनकी पत्नी सुनीता, बेटा यश, बेटी पूजा और मोहिनी घायल हो गए हैं। सुरक्षाकर्मी की पत्नी सुनीता और बेटे यश की हालत इस वक्त काफी गंभीर है, जिसके कारण उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह घटना जगतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे के पास ईश्वर नाले की है। तो वहीं यूपी में दंगों के आरोपियों पर बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल किसी प्रकार की रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई क्या वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह भी कहा कि भविष्य में नियमों और कानूनों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यूपी सरकार ने हालांकि कहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का अब सवाल यह है कि क्या कानूनी प्रक्रिया हुई। जमीयत की वकील ने कृष्णन ने कहा है कि इस मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए। वकील ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में रूल्स रेगुलेशंस और रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 की धारा 10 और उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 की धारा 27 का उल्लंघन हो रहा है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कानूनों में किसी निर्माण पर कार्रवाई से पहले उसके मालिक को 15 दिन का नोटिस देने और संपत्ति के मालिक पर कार्रवाई रुकवाने के लिए अपील करने के लिए 30 दिन का समय देने जैसे प्रावधान है, लेकिन यूपी में उनका पालन नहीं हो रहा। याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा है कि नोटिस देने के बाद कम से कम 15 दिन और अधिकतम दिन 40 दिन का समय देना होता है और 40 दिन के लिए पूरा होने का इंतजार करना होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है। और इस बीच गोरखनाथ मंदिर परिसर में ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही है। जुम्मे की नमाज को सकुशल संपन्न कराए जाने की खबर के बाद उत्तर प्रदेश से ये खबर सामने आई, जहां जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसक घटनाओं को देखते हुए अब गोरखपुर पुलिस लगातार मुस्तैद हो गई है। जुम्मे की नमाज को सकुशल संपन्न करवाने के लिए पुलिस लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही है, निगरानी बनाए हुए है पुलिस, और जुम्मे की नमाज को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए ड्रोन कैमरे का सहारा लिया जा रहा है। आज गोरखनाथ मंदिर परिसर से ड्रोन कैमरे को उड़ाकर आसपास के मोहल्लों की भी निगरानी की गई। आप भी देख सकते हैं यहाँ पर ड्रोन कैमरे लगे हुए हैं और ड्रोन की जरूरत से और ड्रोन की मदद से यहाँ पर निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अराजकता को होने से पहले रोक दिया जा सके। जनपद गोरखपुर में पिछले सप्ताह प्रदेश में हुए विभिन्न स्थानों पर घटनाओं को देखते हुए तीसरी बार आज फिर से ड्रोन से सर्विलांस किया जा रहा है। ये गोरखनाथ थाना क्षेत्र के एरिया में चकसा हुसैन, नूरी मस्जिद वगैरह इस सब क्षेत्रों के अंदर विभिन्न घरों की छतों पर पड़े ईंटा पत्थर वगैरह इन सब का फोटो लिया जा रहा है एवं इन सभी घरों को 149 CRPC के तहत नोटिस दिया जाएगा एवं इन ईंटा पत्थर को समय रहते हुए इनको हटाने के लिए निर्देशित किया जाएगा। जनपद गोरखपुर में। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।